हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं अविनाश कुमार और आरआरबी एएलपी पेपर टू के फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड में फिजिक्स की क्लासेस आपकी मैं ले रहा हूं। चैप्टर 1.1 में हमने चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज एंड अबाउट चार्जेस के बारे में बात की थी। मतलब चार्ज का क्या यूनिट होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, सो थैंक यू फॉर दैट। और होता कुछ नहीं है, रिस्पांस अच्छा मिलता है ना तो थोड़ा मोटिवेशन आता है, थोड़ा और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, कुछ लोग पर्सनल कमेंट भी आप लोग करते हो कि सर मार्केट एनालिस्ट लिखो। मार्केट एनालिस्ट होता क्या है? मार्केट एनालिस्ट में है ना, शेयर मार्केट समझते हो, कंपनियां क्या होती है, कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा आगे परफॉर्म करेगी, यही सब करना होता है। पैसे लगाने होते हैं, प्रॉफिट निकालना होता है, यही सब होता है। ये सब चीज़ आप लोगों को अभी नहीं सोचना है, आप लोग रेलवे पे ध्यान दो, ये मेरा पर्सनल मैटर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़े। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो इस चैप्टर में आपका कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक होता है इंडक्शन, इंडक्शन ये हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है इंडक्शन से, क्या क्या होता है, कैसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। ठीक है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पिछले लेक्चर में बता देना चाहिए था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और मैं आगे बताने ही वाला था, बट ठीक है इसी स्लाइड में आपको बता देता हूँ। एक आपका होगा फोर्सेस बिटवीन चार्ज, ठीक है, मल्टीपल चार्ज, हिंदी में उसको आवेश बोलते हैं, है ना। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा हिंदी में बताइए, तो देखो जितना मुझसे हो सकेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ा ही नहीं हूँ तो मैं आप लोगों को कहाँ से बताऊँ, बट मुझसे जो होगा मैं करूँगा। आप लोग भी थोड़ा गूगल उगल करो, देखो कि किस चीज़ का हिंदी क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन चार्ज में आपका एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, ठीक है, कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो अपन इस लॉ की बात करेंगे, ये लॉ कैसे डेराइव हुआ है, इस लॉ का कहाँ कहाँ यूज है, इस पे हम लोग आएंगे। ठीक है, और एक टॉपिक है आपका फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इसमें हम लोग कूलम्ब लॉ और तीन चार चार्ज पार्टिकल लेंगे और उसके बीच में फोर्सेस कैसे होता है, कैसे डिराइव होता है, कैसे निकलता है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका चार टॉपिक है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को, क्वांटाइजेशन पढ़ाया था, एडिटिविटी था और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। चार्ज के बारे में थोड़ा बताया था, आप लोगों का अगर उसमें डाउट है तो आप लोग पहले वो लेक्चर दोबारा देखो तब इस लेक्चर पे आना, और अगर वो लेक्चर पूरा समझ में आ गया तो ठीक है इस लेक्चर की अब हम बात करते हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और काफी क्वेश्चन जो आरआरबी में आते हैं इन चारों टॉपिक्स पे आता है, और कूलम्ब लॉ से रिलेटेड तो आता ही है, तो आप लोग ये लेक्चर ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले इंडक्शन की। इंडक्शन ये बोलता है ना कि हमारे पास अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, और उसको हम लोग कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाए ना, तो वो ऑब्जेक्ट भी चार्ज्ड हो जाएगा। कैसे चार्ज होगा, देखो होता कुछ नहीं है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, घटता बढ़ता नहीं है, बैलेंस बिगड़ जाता है। इस पिक्चर के थ्रू समझ जाओ आप लोग, ये एक रड है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है इस पे। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं आया है, अलग से इस पे प्रोटॉन नहीं आया है, कभी भी चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के हेरफेर से होता है, प्रोटॉन उतने का उतना ही रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो माइनस हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्लस हो गया। तो ये एक रड है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, हिंदी मीडियम वाले धनावेश बोलते हैं इसको, और निगेटिव को ऋणावेश, ऐसा ही मैंने कहीं पढ़ा था। आप लोग के लिए ये सब भी करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो इसके नजदीक क्या लाए? एक ऑब्जेक्ट लाए। तो क्या होगा ना, इस ऑब्जेक्ट में पहले क्या था, प्लस माइनस था, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे रैंडम बना हुआ था, ठीक है, एकदम रैंडम। लेकिन लेकिन अभी हम रड लेकर आए हैं, तो क्या होगा, देखो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, प्लस आ जाएगा एक तरफ, माइनस आ जाएगा एक तरफ। पिछले चैप्टर में क्या बताया था, याद है आप लोगों को ना, अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और सेम चार्ज जो समान रहता है वो एक दूसरे को ढकेलता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज लाए हैं, तो माइनस को ये खींचेगा और प्लस को ये ढकेलेगा। तो इसका अब कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कुछ, माइनस 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 माइनस, खींच लिया सब प्लस को, और प्लस ढकेला गया, दूसरे तरफ चला गया। ध्यान रखो, अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर उतना ही है, बस माइनस वाला प्लस के तरफ आ गया और प्लस वाला प्लस के अपोजिट तरफ चला गया। यही होता है इंडक्शन। अगर सेम सेम यही रड रहता है ऐसे, और ये माइनस चार्ज रहता, और इसके तरफ लाते ऑब्जेक्ट, तो माइनस है तो ये प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस को दूर ढकेल देगा। इंडक्शन यही है। इस पे आप लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें इंडक्शन का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ रहेगा, उससे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताऊंगा। यही है इंडक्शन, समझ गए? अगर मान लो ये माइनस चार्ज है, ये रड है, और इधर मान लो एक सेकंड के लिए थोड़ा प्लस चार्ज है, ऐसा कुछ है, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो, और इधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर क्या होगा, प्लस है तो माइनस को खींचेगा और प्लस को दूर ढकेलेगा। यही है इंडक्शन, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले। एक कंसेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बॉडी है ये, ठीक है, मेटल का बॉडी है मान लो, इस पे माइनस 4 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। दूसरा बॉडी है, इस पे +2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। अभी दोनों काफी दूर है, ठीक है, तो कोई हेर फेर नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों को हम लोग पास में लाएंगे ना, तो क्या होगा, होगा क्या, प्लस माइनस है, गड़बड़ है। हमेशा कोई चीज है ना, एक सेम होने का कोशिश करता है, ये यूनिवर्स का लॉ है, पूरा दुनिया का लॉ है, हर चीज बराबर होना चाहता है। अपने लाइफ में देख लो ना, गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, ठीक है, सब चाहते हैं कि यार पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, सब लोग समान रहे, यूनिवर्स का ही लॉ है। तो इसको अगर साथ में लाएंगे ना, तो क्या होगा, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों चिपक गया। तो देखो इक्विवेलेंट चार्ज कितना हो गया, -4c + 2c, ये कितना हो गया, -2 कूलम्ब, ठीक है। अब ये दोनों को वापस साथ में ला गए, तो टोटल चार्ज -2 कूलम्ब होना चाहिए ना। अब ये दोनों को वापस से दूर करो, वापस से दूर करोगे तो क्या होगा, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों में -1 कूलम्ब और -1 कूलम्ब आ जाएगा। यही है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को घुमा के पूछ सकता है कि दो बॉडी है, उस पे इतना कुलम्ब, एक पे इतना कुलम्ब है, दोनों को साथ में लाए फिर दोनों को अलग कर दिए, कितना फोर्स होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थियोरेटिकल नॉलेज यही है कि अलग अलग चार्ज हो, दोनों को संपर्क में लाएंगे, दोनों पे टोटल चार्ज जो टोटल निकलेगा वो होगा, और उसके बाद बॉडी को अलग करेंगे तो सब में बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है। एक बाप के 3 बेटे, तो तीनों को समान जायदाद मिला, ठीक है। अगर यहीं पे 3 ऑब्जेक्ट रहता ना, तब क्या होता, 1/3 हो जाता। 4 ऑब्जेक्ट रहते तब क्या होता, 1/4 हो जाएगा। समान बटना है, बस आप इतना याद रखो, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं चर्चा करने वाला हूं,
इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट, सबसे जरूरी टॉपिक। ये टॉपिक एकदम सबको रट्टा होना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ भूल जाओ, इसको एकदम रामबाण की तरह याद कर लो। नाम है इसका कूलम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉ। हम लोगों को क्या बोलता है ना, कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये लॉ लिया था तो नाम पड़ गया कूलम्ब लॉ। तो ये लॉ हम लोग को बोलता है ना कि दो चार्ज पार्टिकल है ना, ये एक ये और एक ये, समान और असमान, अनलाइक और लाइक, ये बात की बात है। ये दोनों में इसमें भी कुछ कूलम्ब होगा, लेट से -2 कूलम्ब, इसमें कुछ होगा लेट से +-4 कूलम्ब कुछ होगा। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को या तो धक्का लगाएगा या तो खींचेगा। ये फोर्स है ना, कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके लिए कूलम्स लॉ बना है। तो कूलम्ब ने बोला था कि इन दोनों फोर्स के बीच में ये रिलेशन होगा कि जो फोर्स होगा, फोर्स को हम लोग एफ से यहां लिख रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज का जो वैल्यू है ना, चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स होगा, ढकेलेगा या खींचेगा, ये बात की बात है। चार्ज जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, आपका फोर्स उतना ज्यादा होगा। मतलब Q1 ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, Q2 ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। ठीक है, Q1 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 गुना Q2। ठीक है, ये चीज समझ गए। एक ये लॉ है। दूसरा चीज कूलम्ब ने बोला था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा, 1/d। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे डी स्क्वायर उसने बोला था कि अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ेगा। और एक और चीज है, वो थोड़ा देर में बताता हूं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 बट्टा डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। आर से या तो डिस्टेंस को डिनोट करो या डी से डिनोट करो। और इस इक्वेलिटी को सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला उन्होंने निकाला, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, एक कांस्टेंट है। के का वैल्यू कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 πε₀ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ से फॉर्मूला निकला, ठीक है। 1/4 πε₀ क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। ये फॉर्मूला बस रट लो, एफ इजकल टू 1/4 πε₀ Q1 Q2 / r2। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग लेक्चर करो तो साथ में एक नोट्स वोट्स रखो, तो समझने का समझ गए होगा। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, ये फॉर्मूला आप लोग के जवान पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला। चलो एफ इज इक्वल टू आया 1/4 πε₀ Q1 Q2 / r2। Q1 Q2 क्या है, चार्ज। आर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। सब लोग बोलता है ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वेरिएबल भी होता है, थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, ये निर्वात बोलते हैं, वैकम। वैकम में जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं ना, तब एप्सिलॉन नॉट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, 8.8
84 इंटू 10 to the power -12। डायमेंशन क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -1। रट्टा मार लो आप लोग। ठीक है, सॉल्व करोगे एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रख दो तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा? ये सॉल्व करोगे 1/4 × π, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 × 8.854 × 10 to the power -12। सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 9 × 10 to the power 9 कूलम्ब के पावर -2 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। नोटिस करो ये यूनिट जो है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये और ये यूनिट जो एप्सिलॉन नॉट में मैंने बताया कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -1, दोनों एक दूसरे का ठीक उल्टा है। देख रहे हो कूलम्ब का उसमें स्क्वायर है, इसमें -2 है, इसमें -1 है, इसमें 1 है, इसमें -2 है, इसमें 2 है। क्यों? क्योंकि ये 1/2 हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट आप लोग अगर नहीं समझे हो तो अभिजीत सर का लेक्चर एक बार फिर से देख लो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा से उन्होंने बताया है। कैसे आया ये यूनिट समझना है तो यहां से समझो, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, तो उसको अभी के लिखते हैं। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन इज इक्वल टू के, Q1 क्या हो गया C, Q2 क्या हो गया C, R क्या हो गया M, स्क्वायर है तो 2। अब के बराबर इससे क्या आएगा आपका? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सी के पावर -2 आया। यही चीज तो यहां पे मैंने लिखा है, तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, रट्टा मारने का मन नहीं है या भूल गए तो फॉर्मूला से निकाल लोगे। अब के का वैल्यू ये है तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी ये होगा, डायमेंशनली डायमेंशन में यही आएगा। अब वो फोर डायमेंशनलेस, पाई डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी 1/ε0 का डायमेंशन भी ये आएगा, तो ε0 का डायमेंशन क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा। इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। आपने अभी क्या पढ़ा? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पढ़ाना। एक्चुअली में ये वैकम में होता है, निर्वात में होता है। अगर किसी मीडियम में करोगे तो क्या होगा? मतलब पानी के अंदर दो चार्ज चला गया, या हवा में है, या किसी और मीडियम में, ऑयल में है, तेल में है, तब क्या करोगे? तो वहां पे ई नॉट के साथ साथ है ना ई आर हो जाता है, इसको रिलेटिव परमिटिव बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लो। जब बात एयर या वैकम का रहे ना, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व इसी में करेंगे, तो आपको ई आर का वैल्यू 1 होता है एयर और वैकम में। एयर में टेंस टू 1 होता है, क्लोज एक के करीब होता है, तो उसको एक ही मान के चलते हैं। तो वहां पे यही फॉर्मूला आपका लगेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर किसी मीडियम का बात रहेगा ना, जैसे वाटर का, ऑयल का, तो वहां पे आपको ER दिया रहेगा, वहां पे आपको ER दिया रहेगा, तो वो ER का वैल्यू वहां पे रख लेना। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू εr लगेगा। ठीक है, इसीलिए परमिटिविटी का कंसेप्ट मैंने बताया था। काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे तब वहां पे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, समझ गए? ठीक है, तो ये ER, इसीलिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, यही चीज आप लोग को समझना था। फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है देख लो, Q1 पे इंटू Q2, मतलब Q1 Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और फोर्स परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तीन चीज है कूलम्स लॉ के अंदर में, यही कूलम्स लॉ हम लोग को बताया था। और फॉर्मूला आपका क्या आया? फॉर्मूला आपका ये आया। जब नॉर्मल केस रहेगा तो ER नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब कोई मीडियम आ जाएगा तब आपको ER लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लो, इलेक्ट
ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक है आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, बिटवीन मल्टीपल चार्ज मतलब एक से अधिक चार्ज पार्टिकल रहेगा ना, तब हम लोग कैसे फोर्स निकालेंगे। अभी तो हम लोग दो चार्ज का देख लिए, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, दोनों के बीच एफ क्या होगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा एफ इजकल टू जो हमने निकाला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, और बोलेगा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस पे, तो आप कैसे निकालोगे। ये मान लो वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री है। क्वेश्चन कहेगा जो तीसरा पे क्या फोर्स लग रहा है तो क्या निकालोगे, तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे आप लोगों को वेक्टर का कंसेप्ट आएगा, वेक्टर वेक्टर पढ़ लोगे, पढ़ा दूंगा मैं, अच्छे से समझ जाओगे। अभी इंट्रोडक्शन समझ लो, ये तीन पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये फोर्स खींचेगा दो, उसको खींचेगा या ढकेलेगा। अभी एक सेकंड के लिए मान लो अलग अलग चार्ज है तो खींचेगा, एक मान लो इसको खींचेगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कुछ फोर्स आएगा। इसी को आप लोग तोड़ोगे, वेक्टर पढ़ोगे तो समझोगे, एक कंपोनेंट ऐसे टूटेगा एक कंपोनेंट ऐसे टूटेगा, एक की तरफ से भी एक कंपोनेंट ऐसे टूटेगा और एक कंपोनेंट वापस ऊपर की तरफ टूटेगा। और इक्विवेलेंट फोर्स का एक डायरेक्शन होगा, लेट से अगर इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा तो ये सब मान लो अगर बराबर हुआ एक सेकंड के लिए तो ये कट जाएगा, इधर दो के कारण एक इस तरफ कुछ फोर्स लगा, एक के कारण इस तरफ कुछ फोर्स लगा, तो वो दोनों फोर्स का सम निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए, यहाँ पे आपको एंगल दिया रहेगा थीटा, ये फोर्स आप लोग एफ निकालोगे तो इस तरफ एफ कॉस थीटा निकलेगा, इस तरफ एफ साइन थीटा निकलेगा, और इधर भी मान लो एक सेकंड के लिए एफ लगाकर ही खींच रहा है एफ, तो और ये भी एक सेकंड के लिए मान लो थीटा है, तो इधर भी एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा, ठीक है। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि बराबर है, और ये एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा मिलके कितना हो जाएगा, टू एफ कॉस थीटा। वेक्टर का कंसेप्ट समझोगे तो तोड़ने का मतलब समझ में आ जाएगा। अभिजीत सर आप लोगों को वेक्टर पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा दिए होंगे, मैं दोबारा आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में कम चांस है पूछेगा, रेलवे थोड़ा इजी करके आप लोगों को पूछेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे तो आप लोग ये कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले, इतना थ्योरी पढ़े हो, क्या इसका मतलब है, क्या अभी तक पढ़े हो, क्या समझे हो, ये थोड़ा चेक कर लो। और अगर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे तो समझो आप लोगों का थ्योरी अच्छा है, समझ गए। अगर नहीं बन रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप लोग ये लेक्चर दोबारा देखोगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, कूलम्ब किस क्वांटिटी का यूनिट है। इसी चैप्टर में सिंपल पढ़े हैं, कूलम्ब से क्या नापते हैं हम लोग, चार्ज नापते हैं ना, चार्ज का यूनिट होता है ना कूलम्ब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज। फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगा, परमिटिविटी का एप्सिलॉन नॉट, उसका यूनिट आपने पढ़ा दिया था, कितना लंबा चौड़ा था, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन के पावर माइनस वन, मीटर के पावर माइनस वन, ऐसा कुछ था ना, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, ये आपका सही आंसर हो गया। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, परमिटिविटी का यूनिट काफी डिफिकल्ट, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन माइनस वन, मीटर स्क्वायर, यही सब हमने पढ़ा था ना। कूलम्ब लॉ इज एम्प्लॉयड इन, सेकेंड क्वेश्चन, कहाँ हम लोग इम्प्लॉय करते हैं, अभी कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ना, कूलम्ब लॉ बोला था ना कि इसी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सवेल थ्योरी। देखो दो तरीके से आप लोग आंसर बनाओगे, अगर आंसर आता है तो आंसर बनाओगे, नहीं आंसर आता है तो जो गलत आप लोगों को लग रहा है वो छाटोगे। गलत छाटने वाला, अभी हमने एक ही चैप्टर पढ़ा है ना, तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या क्या गलत हो सकता है, आगे चल के ये भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे फायदा क्या होगा ना, जो चीज आप लोगों को नहीं आता है ना, वो चीज भी आप लोग मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरआरबी में आएंगे, पक्का आएंगे, लिख के ले लो। फोर्स पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू कूलम्ब एंड माइनस वन कूलम्ब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर।
दो कूलम्ब और माइनस एक कूलम्ब, दो चार्ज है, 1 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच में फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R2, यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K का डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10^9। पीछे बताया था, पीछे चेक कर लो, ये रट लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रट लो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी रट लो, 8.854 × 10^12। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है 9 × 10^9, लेकिन वो भी रट लो जस्ट इन केस, और नहीं आता है तब तो निकालना मैंने सिखा ही दिया था। ठीक है, तो 9 × 10^9 × 2 कूलम्ब, यानी 2 सब SI में है सब, तो आप लोग यूनिट नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, अगर अलग अलग यूनिट रहता तो आप लोगों को SI में बदलना पड़ता, × -1 कूलम्ब / R2, डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर, सब SI में है, ये मीटर में है, वो कूलम में है, सेंटीमीटर में रहता तो इसको मीटर में पहले बदलते। सॉल्व करोगे तो 9 × 2 = 18 और -1, तो -18 × 10^9 न्यूटन। सिंस सब SI में है तो आंसर भी आपका SI में होगा, आपको यूनिट चेक करने का जरूरत नहीं है, सब बस देख लिया करो। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया था, ये फोर्स में प्लस और माइनस आने का मतलब क्या होता है। देखो, प्लस रहेगा कब, जब C1 C2 दोनों प्लस है, समझ रहे हो, यानी C1 भी पॉजिटिव है C2 भी पॉजिटिव है, या प्लस कब आएगा, जब दोनों निगेटिव होगा, C1 भी निगेटिव है C2 भी निगेटिव है, Q1 भी निगेटिव है Q2 भी निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस या प्लस प्लस आ रहा है, तो आंसर आपका किस में आ रहा है, प्लस में, तो प्लस क्या हो गया आपका, एक दूसरे को धक्का देगा, अलग अलग फोर्स है ना, समझ रहे हो ना, अलग अलग फोर्स है तो माइनस आ गया, तो वो एक दूसरे को खींचेगा, सेम फोर्स है धक्का लगेगा, तो प्लस आया तो समझो किधर लगेगा फोर्स, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये और ये है तो इधर लगेगा, ये रिपल्स करेगा, एक दूसरे को ढके लेगा, और अगर माइनस आएगा तो एक दूसरे को ये खींचेगा, मतलब ऐसा। ठीक है, ये चीज समझ लो, प्लस और माइनस से डाउट लोगों को होता है। आंसर अपना क्या आया, -18 × 10^-9, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। चलो अगला क्वेश्चन है, 2 चार्ज 1 कूलम्ब एंड -4 कूलम्ब एग्जिस्ट इन एयर। देखो एयर आ गया ना, ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो एयर के केस में εr भी 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग का वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो, F = K लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ भी लिखो, K Q1 Q2 बाई R2, K का वैल्यू आ गया जो भी आ गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन पूछ रहा है। तो देखो Q1 क्या है, पॉजिटिव, Q2 क्या है, नेगेटिव, 1 कूलम -4 कूलम है ना, ये आपका हो गया 1 कूलम और ये हो गया आपका -4 कूलम, तो एक दूसरे को खींचेगा। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि अनलाइक चार्जेस, जो चार्ज एक दूसरे के अपोजिट रहता है वो खींचेगा, तो फोर्स 1 कूलम्ब पे इधर लगेगा, 4 कूलम्ब पे इधर लगेगा, ऑप्शन क्या है, अवे फ्रॉम 1C। देखो यहाँ पे ऑप्शन एम्बिग्विटी आ गई है, 1 अवे फ्रॉम -4C, अवे होगा ही नहीं, क्योंकि 1 कूलम्ब और 4 कूलम्ब दोनों के बीच में लग रहा है ना, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब आया 1 कूलम्ब टू -4 कूलम्ब, सही है, -4 कूलम्ब टू 1 कूलम्ब, देखो यहीं पे एम्बिग्यूटी आती है, दो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1 कूलम्ब से -4 कूलम्ब के बीच में लग रहा है 1 कूलम्ब पे, और -4 कूलम्ब पे किधर लग रहा है, -4 कूलम्ब टू 1 कूलम्ब पे, तो दो में क्या मारोगे, अगर कोई एक मारना रहे ना तब मैं बता देता हूँ। देखो छोटा कौन है, 1 कूलम्ब, बड़ा कौन है, -4 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब पे निकालो, हमेशा छोटा पे किधर लगता है वो निकाला जाता है, ये बड़ा है ना, ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगा, तो बड़ा वाला थोड़ा कम मूव करेगा। ठीक है, लेट से यहाँ पे बड़ा वाला आएगा और छोटा वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा ये मूव किया ना, तो हम लोग 1 कूलम्ब को लेकर चलेंगे, तो आपका यहाँ पे दोनों सही है वैसे, लेकिन आप लोग को एक मारना रहे ना, तो 1 कूलम्ब टू -4 कूलम्ब मारना। ठीक है, देखो ग्रेविटेशन आप लोग पढ़ोगे ना, तो वहां पे धरती जो हम लोगों को खींचती है, तो
असलियत बात यह है कि हम लोग भी धरती को खींचते हैं, ठीक है। धरती बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन कभी कोई पूछता है कि यार धरती पे कितना फोर्स लगा या धरती किधर मूव कर रहा है? नहीं ना, सब पूछता है कि हम लोग किधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा छोटा का कंसेप्ट यही आ जाता है। तो वहां पे धरती इतना बड़ी बड़ा है, हम लोग एकदम छोटे हैं उसके कंपेरिजन में, तो हम लोग पे कोई पूछा ना। तो इसी तरह इसमें 1 कूलम्ब है, -4 कूलम्ब है। तो जब ऐसा आप लोग को क्वेश्चन में डाउट हो जाए या दो दो सही निकाले, तो ऐसे निकाले छोटा पे कितना लग रहा है, छोटा किधर मूव कर रहा है, वो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है, ये सब किसी बुक में नहीं लिखा रहता है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर अपार्ट, चार्जेस आर इतना इतना इतना। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ देखो आपका कंसेप्ट तो आ ही गया ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, और मैंने बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, इनडायरेक्ट घुमा फिरा के जरूर आ जाता है। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ आपका 2 नैनो कूलम्ब और -1 नैनो कूलम्ब, और बोला गया है कि दोनों को साथ में लाया गया और फिर अलग किया गया। तो क्या होगा, पहले इक्विवेलेंट टोटल चार्ज निकालो, 2 प्लस -1, यानी 1 नैनो कूलम्ब हो गया टोटल इक्विवेलेंट। अब दोनों को अलग अलग किया गया है, तो मैंने आपको सिमेट्री वाला लॉ बताया था कि डिवाइड हो जाएगा, जितने बॉडी है उतने पार्ट में, तो 2 बॉडी है तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा, यानी 1/2 1/2, यानी 0.5 नैनो कूलम 0.5 नैनो कूलम। अब फोर्स निकालो। देखो जिनको ये चीज नहीं पता रहता वो 2 नैनो कूलम और -1 नैनो कूलम करके निकालते, मैक्सिमम आप लोगों में ये गलती करते ही करते। अब सॉल्व करो, 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 अब बदल के मेरा कितना हो गया, 0.5 नैनो कूलम्ब है, तो 10⁻⁹ इंटू 0.5 नैनो कूलम्ब है, तो 10⁻⁹। सबको मैं SI में रख रहा हूं, याद रखो। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसी फॉर्मूला में जब 10⁻ अलग अलग रहेगा ना, तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबको SI में रखना सीखो। डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो, 4 × 10⁻²। नीचे क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर होगा। चलो सारा वैल्यू को एक तरफ और पावर को एक तरफ करो, 10⁻ से पहले 1 10⁻ कट गया, क्या हुआ आपका, 9 × 0.5 × 0.5, 0.25, या इसको 1/4 भी लिख सकते हो, 0.25 डिवाइडेड बाय 4 × 16। पावर में ऊपर क्या क्या बचा, 10⁻⁹ और नीचे 10⁻⁴। तो 9 × 25 को 1/4 लिख सकते हो, हाँ 4, और 16 है, और ऊपर गया 10⁵5। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, 9/64 × 10⁻⁶। सॉल्व करने के लिए इसको 90 लिखो और 1 10 नीचे करोगे तो 10⁻⁹, यानी 10⁻⁶। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 1.406 ऐसा कुछ आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखो, मैंने जल्दी में किया, × 10⁻⁶, 10⁻⁶ न्यूटन, उसी को हम लोग लिखेंगे माइक्रो न्यूटन, ठीक है। तो इसको माइक्रो न्यूटन में लिखो। आंसर ऑप्शन देखो, 1.404 सबसे करीबी यही है ना, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आ गया, इसीलिए मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऐसे अगर कॉन्टेक्ट का नहीं रहे तो आप Q1 Q2 कितना रखोगे, 2 नैनो कूलम्ब, -1 नैनो कूलम्ब, लेकिन कॉन्टेक्ट में आने का कंसेप्ट आ गया, आधा आधा कर दोगे जोड़ कर। यही इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और फोर्स का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चार्ज इज इतना एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स इतना, डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द अदर चार्ज इतना, बोथ चार्ज आर इन वैकम, ठीक है। वैकम का कंसेप्ट आ गया, मतलब के वही का वही रहेगा। फॉर्मूला क्या था, फोर्स बराबर K Q1 Q2 / R² आप सब वैल्यू पुट करो, 0.1 न्यूटन है, SI है, कोई बात नहीं, 9 × 10⁹, Q1 कितना हो गया, 2 × 10⁻⁷,
और Q2 कितना हो गया, 4.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, नहीं दिया हुआ है, आर हम लोग को निकालना है। ये इधर जाएगा आर, तो आर स्क्वायर इस तरफ आ गया, 0.1 नीचे आ जाएगा। 9 गुना 2 गुना 4.5 करके देखो, 4.5 इंटू 2 कितना हुआ, 4.5 गुना 2 कितना होता है 9, और 9 इंटू 9 कितना होता है 81 गुना 10 के पावर माइनस 7। 10 के पावर माइनस 7 कितना हुआ, 10 के पावर माइनस 14, और ये कितना है 10 के पावर 9, तो 14 में से 9 गया 5, तो 10 के पावर माइनस 5 क्योंकि -14 था, डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 को क्या लिख सकते हो, 10 के पावर माइनस 1 लिख सकते हो। हाँ, 10 के पावर माइनस 1 से 10 के पावर माइनस 5 गया तो कितना हुआ, 10 के पावर माइनस 4। ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 81 का स्क्वायर रूट 9, और 10 के पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट 10 के पावर माइनस 2, आधा हो जाता है, 9 × 10⁻²। यानी 10 के पावर माइनस 2 मतलब क्या हुआ, 100 से भाग लगा रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया 0.09। ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फॉर अ चार्ज Q1 द इफेक्ट ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1 विल बी। अच्छा, मतलब चार्ज पूछ दिया है, Q1 है Q2 है, ये दोनों बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है ऐसे और एक दूसरा बॉडी है ऐसा। तो देखो, मैंने आप लोगों को याद करो बताया था, अगर दोनों चार्ज सेम है तो दोनों एक दूसरे को धकेलेगा, मतलब ऐसा और ऐसा लगेगा, ठीक है। यानी अगर ये F1 है और ये F2 है, तो दोनों का डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, फॉर्मूला सेम ही होगा ना, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर चेंज नहीं हो रहा है, आर आपका ये हो गया, Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, के मीडियम जो भी है मतलब फिक्स है, यानी F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन देखो, F1 और F2 का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर यहीं पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता तो क्या होता, दोनों एक दूसरे को खींचता, तो Q1 को इधर खींचता Q2, और Q2 को Q1 इधर खींचता, तो भी वही फॉर्मूला लगता है, F1 बराबर F2, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, आंसर हो जाएगा बी, F1 बराबर F2 लेकिन माइनस में, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लो, F1 और F2 कभी भी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है ना, तो टोटल सम हमेशा जीरो रहता है, तो ऐसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना आगे चल के, तो ऐसा आएगा F1 बराबर F2 है, F1 प्लस F2 बराबर जीरो होगा, यही दूसरे तरफ जाएगा, तो F1 बराबर माइनस F2, समझ गए। ये कंसेप्ट की तरह भी रट लो, डायरेक्ट सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग। अगर दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों एक दूसरे पे, एक F1 लगा रहा है एक F2 लगा रहा है, तो F1 प्लस F2 बराबर जीरो या F1 बराबर माइनस F2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेनोमेना इन विच अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, मतलब एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, काफी लोग यहाँ पे मिस्टेक करोगे। चार्ज बॉडी इंडक्शन का कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाया था ना, बोला था ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आ सकता है, यही कंसेप्ट है। ये चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडीज के बगल में आया, इंडक्शन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि इसके अंदर ऐसा होगा, माइनस 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 इस तरफ, प्लस 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 इस तरफ। तो देखो, ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे को ये दोनों खींचेगा ना, ठीक है, वही तो है, वही तो बोला है, फेनोमेना इन विच ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी को। ये चार्ज बॉडी था आपका, ये अनचार्ज बॉडी को खींचा ना, किस प्रक्रिया हुआ, कौन सा ये फेनोमेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज मूवमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट नहीं हुआ, चार्ज मूव किया नहीं, बॉडी में ही है, इंड्यूस हुआ है बस। चलिए आगे देखते हैं। एन अनचार्ज बॉडी हैज मोर प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नो प्रोटॉन। फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तभी बताया था आप लोग को एटम का कंसेप्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट होना जरूरी है। अनचार्ज बॉडी है, उसमें क्या रहेगा, हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर रहेगा। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, ये देखो, मोर प्रोटॉन और मोर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं मारेगा, सिंपल चीज है, बराबर होगा,
कोई नो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसी दोनों में लोगों को डाउट होगा कि कौन सही है। नो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कुछ लोग मारोगे। देखो ऑब्जेक्ट है, एटम है, तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होना ही होना है, तो नो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज क्या करता है, देखो रिपेल्स न्यूट्रल चार्ज, अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज, रिपेल निगेटिव चार्ज, रिपेल पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज सब जानते हो यार, प्लस को ये खींचेगा और माइनस को ढकेलेगा, यानी प्लस को अपने तरफ खींचेगा और माइनस को ढकेलेगा दूसरे तरफ। तो अनिगेटिव चार्ज रिपेल न्यूट्रल चार्ज, अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज, रिपेल निगेटिव चार्ज, रिपेल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। रिपेल निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को ढकेलेगा, ये सही है। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख ही लो, अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज, रिपेल न्यूट्रल चार्ज। देखो रिपेल करने का कंसेप्ट नहीं आएगा, इंडक्शन मैंने पढ़ाया था, लेकिन सिंस न्यूट्रल चार्ज बोल रहा है तो उसको गलत मान के रखो। अगर कोई अनचार्ज बॉडी रहता है ना तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए, काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज टोटल क्या क्या पढ़ाया देख लो, आपका कूलम्स लॉ पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, और इंडक्शन, और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्जेस। ये चार आप लोगों को चीज पढ़ाया जिसमें आप लोग कूलम्स लॉ को एकदम काटो घोलो और पी जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाओगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, साथ में लाओगे तो सब चार्ज जुड़ जाएगा, अलग अलग करोगे तो चार्ज सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इंडक्शन सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, और फोर्स बिटवीन टू प्लस चार्ज ये थोड़ा टफ लेवल है। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन रेलवे आप लोग को नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, जितना मैंने बताया उतना इनफ है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो दोबारा से लेक्चर पढ़ लेना। फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट हो, लोगों ने कमेंट किया है, सबको लेक्चर पसंद आया, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट हो ना तो आप लोग लेक्चर के कमेंट बार में कमेंट कर दो या फेसबुक पेज पे मैसेज कर दो। ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। अब हम लोग थोड़ा पोटेंशियल, करेंट, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या होता है, ज़्यादा बच्चे देखते हैं ना तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आगे की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक दो दिन में फिर लाऊंगा, तब तक के लिए जयराम जी के, चलिए।